आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नए अपडेट मिल सकें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की वीडियो में हम जॉन डियर W70 साइक्रो स्मार्ट कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। इसका पूरा रिव्यू और ओवरव्यू करेंगे, इसके एक एक चीज़ की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपये है। इस पर आप लगभग 60 से 70% तक लोन भी करवा सकते हैं किसी भी बैंक से, और कोई सब्सिडी नहीं चल रही। जब भी सब्सिडी आएगी आपको एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता देंगे। इस कंबाइन हार्वेस्टर के लुक और क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी और मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत हार्वेस्टर बनाई है। आप इसको वैसे देखेंगे तो हल्की दिखाई दे रही होगी, परंतु कार्य के मामले में बिल्कुल हल्की नहीं है। यह हार्वेस्टर फीचर से भरपूर है और काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। अब इसके गेयरबॉक्स की बात करें तो इसमें आपको साइक्रो स्मार्ट का गेयरबॉक्स मिल जाता है। ये आपको अन्य हार्वेस्टरों से बिल्कुल अलग मिलेगा, काफ़ी अलग और टेक्नोलॉजी का इसका गेयरबॉक्स है। ये कैसे कार्य करता है ऊपर दिखाएंगे, कैसे इसके गियर डलते हैं। और इसके फिटर की बात करें तो आपको इसमें 51 इंच फिटर मिल जाता है और काफ़ी सुंदर लाइटें हैं। और इसमें आपको ये ऑटोमेटिक कटर जॉइंट मिलता है, आपको पैन बल्ट नहीं चलाना पड़ता है, केवल एक बंदा इसको जोड़ सकता है। कैबिन में आपको फायर बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी खुला कैबिन मिलता है। यहाँ पर 3 लेयर मिल जाते हैं कटर ओगर और फ्लैट के लिए। काफ़ी एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिलता है, बिल्कुल आसानी से ड्राइविंग कर सकता है ड्राइवर। और यहाँ पर आपको मीटर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको RPM मीटर फ्यूल कैपेसिटी के लिए और मशीन के टेम्परेचर के लिए। ये आपको गियर मिल जाते हैं और रेस कटर और रील के लिए तीनों लीवर मिल जाते हैं बिल्कुल नज़दीक। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सीट मिलती है और लगभग 25 क्विंटल का ग्रेन टैंक मिल जाता है, काफ़ी बड़ा, अन्य हार्वेस्टरों से बड़ा ग्रेन टैंक मिलता है इसमें। और सिंपल ओगर मिलता है। इसके गियर कैसे काम करते हैं फोरमैन से पूछ लेते हैं। ये बताइए, ये तो बैक करना, ये आ गया, ये हाई में बैक करनी है 2 नंबर, तो जो लो में करनी है 1 नंबर, इधर भी लो है, इधर हाई लगाओगे फिर भी मीडियम है। तो जो खेत में चलनी है तो ये, रोड पे चलनी है तो ये बी, तो ये हाई आ गया साथ में। इसके टायर की बात करें तो इसमें आपको 16 के टायर मिल जाते हैं। इनकी ऊंचाई 16 की है परंतु चौड़ाई वो 18 के टायर आते हैं उतनी ही है। और इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें आपको सभी स्टील के पार्ट मिल जाते हैं। इनके काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, ज़्यादा जो कसाई के पार्ट हैं सभी स्टील के हैं और इसकी ज़्यादातर बॉडी स्टील की है। सभी चीज़ें आपको इसमें तकनीक के साथ मिलेंगी, बिल्कुल आप इसको रिपेयर भी आसानी से कर सकते हैं। फ्लोर में इसमें आपको 4 पंख वाला फैन मिल जाता है और ऊपर से फ्लैट के का और मशीन को चलाने के लिए मिल जाते हैं। फैन बल्ट भी काफ़ी अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के दिए हैं। ये आपको साइक्रो स्मार्ट की हाई लो की पुड़ी मिल जाती है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है स्पीड को। और इसमें आपको डबल बैटरी बॉक्स है और एक टूल मिल जाता है। और अंदर से बात करें इस कंबाइन की तो आपको डबल शीप मिल जाती है और इसमें 2 थ्रेसर मिलते हैं और 4 स्ट्रावाकर हैं इस मशीन में। इनकी सफाई आप आसानी से कर सकते हैं, नीचे की तरफ से ये प्लेट खोल करें, इसमें समय की काफ़ी बचत रहती है। इसमें आपको प्लास्टिक के गुटके मिलते हैं और 7 नंबर की क्रैंक है, नीचे स्पोर्ट मिल जाती है और डबल शीप मिलती है। इनकी सेटिंग आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, खोल बंद यहाँ से कर सकते हैं इनको। और इसका जैक सिस्टम देखें, डबल हाइड्रोलिक जैक सिस्टम दिया है, काफ़ी मजबूत दिया है, अन्य हार्वेस्टरों से काफ़ी मजबूत मिलता है। काफ़ी कम दूरी में मशीन घूम के आ जाती है, काफ़ी कम रेडियस है। इसके कटर की बात करें तो इसमें आपको मोटर मिल जाती है, पूरा कटर ऑटोमेटिक दिया है, इसको एक बंदा जोड़ सकता है, कैसे जॉइंट करता है ये भी आपको दिखाएंगे। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 14 फीट है, सभी हार्वेस्टरों में इतनी आती है। काफ़ी मजबूत और हैवी क्वालिटी का कटर मिलता है, स्टील बॉडी है नीचे से इसकी। और इसके रील है वो हाइड्रोलिक एडजस्ट कर सकते हैं आप। सभी चीज़ें काफ़ी मजबूत और अच्छी क्वालिटी की दी हैं, काफ़ी दिनों तक आपको इसको रिपेयरिंग की नहीं करनी पड़ेगी। और आपको ये हाइड्रोलिक रील सिस्टम मिल जाता है, ऊपर से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत और अच्छी क्वालिटी के आपको इसमें ब्लेड और फिंगर मिल जाती हैं और अच्छी टायने मिलती हैं, थोड़ी छोटी हैं परंतु अच्छी टायन हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं।
इस मशीन के वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 75 क्विंटल है। इस हार्वेस्टर के पीछे टायर की बात करें तो इसमें आपको पीछे टायर 7 के मिलते हैं और हर पार्ट पर आपको इसमें लाइट मिलेगी। 320 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है और ऊपर चढ़ने के लिए पीछे सीट दी है। इसमें आपको जॉन डियर का इंजन मिलता है, काफ़ी अच्छा इंजन है। ये 4 सिलेंडर है परंतु 101 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, काफ़ी अच्छी एवरेज निकालता है इंजन है। लगभग 8 लीटर 1 घंटे में तेल लेता है और 3 से 4 एकड़ गेहूँ की कटाई करता है। इसमें आपको ऑटो क्लीनर रेडिएटर फैन मिल जाता है और ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है। इसमें आपको 15 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक मिलता है और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टर ये बनाई है। ऊपर आप इसे खोल के नीचे स्ट्रावाकर की सफाई कर सकते हैं और हम नीचे चल के देखते हैं। सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की यूज किए हैं। काफ़ी अच्छे फैन बल्ट और बैरिंगों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी है और यहाँ पे आपको डस्ट से बचाने के लिए फैन मिल जाता है काफ़ी बड़ा ड्राइवर को, ताकि धूलगर्दे में काम करते हुए कोई परेशानी न हो। यहाँ से आप कटर को इस प्रकार से जॉइंट कर सकते हैं। PTO सिस्टम दे रखा है, ये कटर में ऑटोमेटिक जॉइंट हो जाता है, दूसरे बंदे की सहायता नहीं पड़ती। इसमें फैन बल्ट चढ़ाना नहीं पड़ता, काफ़ी समय की बचत रहती है। ये दोनों तरफ दिए हैं, एक तरफ कटर में है, ये दिखाएंगे आपको किस प्रकार से आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया है जॉन डियर कंपनी ने। यहाँ पे फिटर में पहले से ही फैन बल्ट चढ़ा होता है और वहाँ पे सीधा जॉइंट होके आपका कटर कार्य करना शुरू कर देता है। यहाँ पे कटर में देखेंगे आपको ये इस प्रकार से गिरारी मिलती है और इस प्रकार से ये दूसरी टाइप तरफ है, ये दोनों उस कटर में लग जाती हैं और घूमना शुरू कर देती हैं जैसे हम फ्लैट या कटर का लीवर लगाते हैं। इस मशीन की सफाई में भी कोई कमी नहीं आने वाली है। यहाँ से आप देखेंगे इसमें आपको पीछे बैक ड्रम है, वो काफ़ी बड़ा डबल थ्रेशर की तरह ही दिया है, डबल थ्रेशिंग हो जाती है सभी फसल की, जिससे सफाई के मामले में कोई भी कमी नहीं आने वाली जॉन डियर में। यहाँ पे आपको थ्रेशर RPM मीटर मिल जाता है, थ्रेशर के चक्कर आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितने चक्करों में मशीन हार्वेस्ट चल रही है। काफ़ी अच्छा ये आपको मिल जाता है, ये पूरी भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, स्पीड के अनुसार दबाव आता है तब ये ऑटोमेटिक स्पीड को एडजस्ट कर लेती है। काफ़ी बढ़िया इसमें ये चीज़ें दी हैं, सभी फोल्डिंग पुड़ियाँ हैं, केवल नट खोला और पुड़ियों को निकाल लिया, काफ़ी ज़्यादा समय की बचत रहती है। सभी इसमें UC बैरिंग दिए हैं 9 नंबर की सापट के साथ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सभी चीज़ें यूज की हैं। पीछे टायर 7/50/16 के मिल जाते हैं और यहाँ से आप फैन की हवा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। फैन की हवा के लिए आपको कोई पूरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यहाँ से आप फैन की हवा को एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग अच्छी सफाई के लिए। यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाते हैं बाईं तरफ के, सभी के यहाँ पर क्या चीज़ दी है, सभी चीज़ों का एक एनिमेशन मिल जाता है और काफ़ी अच्छे हार्वेस्टर है और ये लगभग 80 की स्पीड से भाग लेती है रोड पर और खेत में भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो ज़्यादा से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और नई हार्वेस्टर का रिव्यू करने के लिए कमेंट में बताएं कौन सी पर करना है, आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।